अवध में अगर किसी वजह से लीड नहीं ले पाएगी भारतीय जनता, अवध में आगे बढ़ेगा। विजय उपाध्याय जी, पहला रिएक्शन आपका। देखिए, ये अवध का जो इलाका है, जो आपने जहाँ सर्वे किया है, इस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए सबसे ज़्यादा संभावनाएं देख रही हैं, और जो स्थितियाँ सामने आ रही हैं सर्वे से, मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए चिंता का कारण हो सकती हैं। क्योंकि अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश को देख लें और उसके फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, जो एटा इटावा का इलाका है मध्य उत्तर प्रदेश का, उस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को सपा से मुकाबला करना पड़ेगा। और अगर अवध में भी सपा से मुकाबला करती हुई नज़र आ रही है और मार्जिन ऑफ सीट का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ये बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए चिंता का कारण हो सकता है। बिल्कुल, ये जैसे अब देखिए हम एक सीट दिखा रहे हैं धौरहरा, ये सीट भी जिसपे पूरा शिफ्ट किया, जितिन प्रसाद भी इधर आ गए, फिर भी समाजवादी पार्टी की ओर जनता कह रही है कि जा सकती है। आप इसे कैसे देखते हैं?